स्वागत है फिर से आप सबका अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर में। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा की। बॉम्बे टू गोवा 3 मार्च 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन एस रामनाथन ने किया था। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ जी। कौन है आप? अजी मैं कौन हूँ, वो छोड़िए। बॉम्बे टू गोवा 1966 में रिलीज हुई हिट तमिल फिल्म मद्रास टू पांडिचेरी की हिंदी रिमेक थी। रोड ट्रिप पर बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अरुणा ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा, महमूद और केशतु मुखर्जी जैसे कलाकार थे। सर किधर का काटो? किधर का काटो? अरे मैं तो हजाम तोड़ू, मैं कंडक्टर हूँ। साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। बस 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 बस, आप किशोर कुमार है ना? नहीं तो क्या, दिल का पागल हूँ। अगर चश्मा उतारो ना, चश्मा चश्मा ये लो। अरे हाँ, ये तो कमल शाह है, हेट यू। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। तो माला, जिसका किरदार अरुणा ईरानी ने निभाया था, वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने तरीके पर प्रसिद्धि पाने के लिए उनके माता पिता के विरोध को समझ नहीं पा रही होती हैं और बहुत सारे पैसे लेकर घर से भाग जाती हैं। इस पैसे को वो शर्मा और वर्मा को सौंप देती हैं। क्या आप मुझे अपनी फिल्म में चांस देंगे? अजी इसमें चांस की क्या बात है, आपकी हमें जरूरत है, हमारी आपको। लालच शर्मा और वर्मा को घेर लेता है। वर्मा की हत्या का गवाह बनी माला अब अपने जीवन के लिए भागती है। वो बॉम्बे से एक बस में सवार होती है जो गोवा के लिए जा रही होती है। वर्मा जल्द ही उससे आगे निकल जाता है और उसे मारने के लिए बस में उसका एक हथियारबंद आदमी आ जाता है। फिर आता है माला का एक प्रशंसक रवि कुमार, जिसका किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है, जो ना केवल माला की रक्षा करता है बल्कि पूरे सफर में उसका साथ भी देता है। इस फिल्म का एक गाना तो ऐसा हिट हुआ था कि उसे हम और आप अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, वो है देखा ना हाय रे। लेकिन अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये गाना जब शूट किया जा रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म से जुड़े लोग आज भी भूल नहीं पाते हैं। अमिताभ बच्चन ने बॉम्बे टू गोवा को लेकर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया था कि उन्होंने फिल्म के फेमस गाने देखा ना हाय रे को प्रोजेक्शन द्वारा शूट किया था। बिग बी ने पोस्ट में बताया था कि चलती बस में गाना शूट करना काफी मुश्किल था, इसीलिए इस गाने को स्टूडियो में ही शूट किया गया था। एक्टर ने अपने अनुभव को बताते हुए लिखा था कि पूरी कास्ट ने उनका हौसला बढ़ाया था। फिल्म के डायरेक्टर महमूद भाई ने उन्हें डांस करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। वो एक टेक के बाद स्पॉट बॉय से जूस पिलाने के लिए भी कहते थे। अमिताभ बच्चन के अंदर के डर को इस तरह बाहर लाने वाले महमूद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी थे। क्या सफर दिलचस्प होता जा रहा है? ये फिल्म सुपरहिट हुई थी। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ के करियर की फिल्म बॉम्बे टू गोवा। ऐसे ही आगे हम आपको उनके करियर में की गई हर एक फिल्म के बारे में जानकारी देंगे। क्या तुम सचमुच शबनम की तरह पाक और पवित्र हो, या ये मेरा वहम है? शुक्र देख लीजिए ना। तो हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।